तो दोस्तों, जब भी आप अमेजन पे हो, नेटफ्लिक्स हो या कोई भी वेबसाइट से सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उसके लिए फ़ोन पे यूज़ करते हैं, तो होता क्या है कि फ़ोन पे में ऑटोमेटिक वहाँ पे सेट हो जाता है, जब वो एप्लीकेशन का एक्सपायरी डेट कंप्लीट होता है तब ऑटोमेटिक आपके फ़ोन पे से वो अमाउंट कट जाता है और उसके बाद फिर से आप वहाँ पे रिन्यू कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फ़ोन पे में कोई भी एप्लीकेशन का ऑटो पे आपका यहाँ पे सेट किया हुआ है पेमेंट, तो उसको कैसे रिमूव करना है वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद लॉगिन के प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। चाहे आप यहाँ पे पिन नंबर से लॉगिन कर सकते हैं या आप चाहे तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट यूज़ करूँगा। अभी मैं यहाँ पे लॉगिन कंप्लीट कर लिया है। देन आप क्या करें कि आपको नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा हिस्ट्री का, तो इस हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं एक एप्लीकेशन का मैंने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो इस पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद मैनेज ऑटो पे वाला ऑप्शन जो मिल रहा है इस पे मैं क्लिक करूँगा। तो ये मेरा यहाँ पे सेट किया हुआ है मैनेज ऑटो पे पे, तो ये ऑटो पे पे सेट किया हुआ है। तो जब मेरा यहाँ पे देख सकते एक डेट दिखेगा, इन डेट के बाद ऑटो पेमेंट यहाँ पे फ़ोनपे से हो जाएगा। तो काफ़ी सारे अगर आपने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो उसको रिमूव करने के लिए आप क्या करें कि ऊपर में जो प्रोफाइल वाला ऑप्शन मिल रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो पे सेटिंग का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और ऑटो पे सेटिंग पे क्लिक करने के बाद जितने भी एप्लीकेशन का अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया होगा कोई भी चीज़ का, तो वो आपको टोटल यहाँ पे शो हो जाएगा। आप क्या करें कि उस एप्लीकेशन पे क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा और बताया जाएगा कि आपका जो नेक्स्ट पेमेंट होगा कब होगा। तो रिमूव करने के लिए सबसे नीचे में आपको रिमूव ऑटो पे वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपको नीचे में ही कैंसिल और कन्फर्म दो ऑप्शन मिलेंगे, आप सिंपली कन्फर्म वाले पर क्लिक कर दें। और कन्फर्म वाले पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर यू पी आई पिन नंबर डाल देना है। तो 4 डिजिट का जो UPI पिन नंबर है वो आप यहाँ पे डाल दें, और डालने के बाद नीचे में आपको इंटर वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और इंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो ये देख सकते हैं ऑटो पे यहाँ पे सेट किया हुआ था वो रिमूव हो चुका है। तो दोस्तों, इस प्रकार अगर आप कोई भी एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसको आप यहाँ पर ऑटो पे रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताएँ।